नी पेन यानी घुटने में दर्द होना, कटकट की आवाज आना आमतौर पर ये एक नॉर्मल समस्या हो सकती है कि आपको कोई छोटी सी कुछ समस्या हुई हो और आपको ये सब हो रहा हो। पर क्या हो कि अगर आप इस पे ध्यान ना दें, इस समस्या को टाइम पे एड्रेस ना करें, जिसकी वजह से ये एक बड़ी समस्या बन जाए या फिर ये इशारा हो सकती है किसी बड़ी समस्या के होने का। तो आप अगर इसको टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे, इसे अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपको बहुत परेशानियां बढ़ जाएं और संभवतः आपको अपना नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े। पर अगर आप समय रहते इस पर ध्यान देते हैं और इसका इलाज करवाते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि ये समस्या रिवर्स हो जाए, आपके घुटने ठीक हो जाए। हम आपको बताएंगे विस्तार से कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं नी पेन की और क्या आप एक्सरसाइज या रेमेडीज जिनकी हेल्प से आप अपने नी की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, उप्राणी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे पहली स्टेज आपके नी पेन की होती है वो है माइनर स्टेज, स्टेज 1। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, थोड़ा तकलीफ होती है जैसे कि घुटने को मोड़ने पर, स्पेशली जब आप नीचे बैठने का प्रयास करते हैं तब आपको कष्ट हो सकता है। अगर आप एक्सरे कराते हैं तो आपको कोई डैमेज नहीं दिखेगा क्योंकि ऐसे में घुटने के अंदर ना ही कोई कार्टिलेज डैमेज होता है ना कोई मेनिस्कस डैमेज होता है। सिर्फ आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उनमें थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही हो, संभवतः थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई हो हल्की सी, बहुत ही माइनर लेवल की हो, मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है जिस वजह से आपको घुटना नहीं मुड़ रहा हो। ऐसे में घुटने के आसपास का एरिया रेड हो सकता है या गर्म हो सकता है। ये होती है स्टेज 1। इस स्टेज में आप केवल अपने घुटने की सिकाइयां करके, हल्की सी ग्रेप बैंडेज बांध के या कोई ऑइंटमेंट लगा के आराम पा सकते हैं। हाँ, थोड़ा रेस्ट आपको अवश्य करना चाहिए। इस सारे प्रिकॉशन से आपका नी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेज 2। ये होती है माइल्ड स्टेज। इसमें आपको जो फाइंडिंग मिलेगी एक्सरे के अंदर उसमें धीमे धीमे जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस होती हुई दिखाई पड़ेगी क्योंकि अब आपके जो मेनिस्कस हैं उनका डैमेज शुरू हो जाता है, साथ में थोड़ा सा जो सैनिटरी फ्लूइड है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ सकती है, कई बार आपके घुटने में से कटकट की आवाजें आ सकती हैं जो उस समय तो सीवियर नहीं थी, सिग्निफिकेंट नहीं थी, बट यहाँ अब इस स्टेज पर आकर ये थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अब ये बनता है कि आप इस आवाज पर ध्यान दें और एप्टली एक्ट करें। ऐसे में आपकी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं या कार्टिलेजेस हैं उनकी थिनिंग शुरू हो जाती है, वो हार्डन होने लगते हैं क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, वहाँ पे एडिमा बढ़ जाता है। एक बार कहते हैं ना कि घुटने में पानी भर गया, वो यही चीज होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से एडिमा बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है। कई बार तो घुटना बहुत टेंडर मालूम पड़ता है, छूने पर भी बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अब यहाँ इंडिकेशन आता है कि आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से बात करनी चाहिए जिससे कि वो आपके नी को असेस करके अप्रोप्रिएटली उसका ट्रीटमेंट डिफाइन कर सके। ऐसे में जनरली कुछ फर्मेंटेशन होती हैं, अब वो आपके थेरेपिस्ट तय करेंगे कि क्या वो कोल्ड फर्मेंटेशन करनी है या आपको हॉट पैक्स देने हैं, क्या इसके बाद आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करानी है या केवल अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट जैसी मॉडलिटीज यूज करके आपका ट्रीटमेंट कर देना है। ऐसे में आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों कम होने लगती हैं, तो आपके थेरेपिस्ट को तय करने दीजिए कि क्या ये सही समय है आपकी मोबिलिटी को बढ़ाने का या अभी इसको इमोबाइल करके रेस्ट कराना है। ये उनका कॉल है, उन्हें तय करने दीजिए। ये जो स्टेज 2 है, माइल्ड जो स्टेज है, यहाँ से शुरुआत होती है अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्योंकि आपके ऑस्टियोपाइट्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। आशा करते हैं कि ये 2 स्टेज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आई हैं अच्छी बात है, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। अब बात करते हैं आगे स्टेज 3 के बारे में। ये होती है मॉडरेट स्टेज और ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, आपको साफ साफ बता रही है क्योंकि इसमें आपकी जॉइंट स्पेस फर्दर रिड्यूस हो जाती है जिस वजह से आपको चलने फिरने में अब ज्यादा कष्ट होने लगता है पहले की तुलना में। कई बार कार्टिलेज ज्यादा घिस जाती है जिस वजह से आपकी बोन से बोन टकरा भी सकती है। आपका एडिमा यानी स्वेलिंग आपके नी में पहले की तुलना में और बढ़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, हो सकता है आपके घुटने में सैनिटरी फ्लूइड की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए, निम्नतम स्तर पर पहुंच जाए जिससे आपके घुटने में रगड़ और आवाजें दोनों ही वरदान। ऐसे में आप अपने घुटनों की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करके अपने घुटनों को थोड़ा बचाए रख सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो घुटने में स्लाइडिंग ज्यादा नहीं होती, घुटने रब नहीं करते, थोड़ा ठीक से चलते हैं और नी की जो थोड़ी लॉन्जेविटी है वो हो सकती है, अर्थात जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। आप थोड़ा टाइम और निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जो सीरियस स्टेज होती है, स्टेज 4। ऐसे में एक्सरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो पेशेंट का वॉकिंग पैटर्न होता है, जो उनकी चाल होती है, उससे देखकर ही ये मालूम कर लिया जाता है कि बो लेग ज्यादा हो गए हैं, नीज में डिफॉर्मिटी आ गई है, घुटने आपस में बहुत दूर जाने लगे हैं। ये इंडिकेशन होता है कि आपके नी में जो क्यू एंगल है वो खत्म हो चुका है, दोनों साइड की जो कार्टिलेजेस हैं लेटरल और मेजर साइड की वो खत्म हो चुकी हैं, जॉइंट स्पेस एकदम खत्म हो चुका है। अब आपको नी रिप्लेसमेंट करा ही लेना चाहिए और इसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम फिजियोथेरेपी के एस्पेक्ट से इसमें बात करें तो आप सर्जरी क्योंकि प्लान करेंगे तो 1 महीना पहले से थोड़ी एक्सरसाइजेज शुरू करिए नी की, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इन्हें करने से क्या होगा कि आपकी जो प्री ऑपरेटिव मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, आपके मन में प्रश्न होगा। तो इसका फायदा ये मिलेगा कि जब आप अपना नी रिप्लेसमेंट करवा के आएंगे और रिहैब शुरू करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव, तब आपकी जो रिकवरी है उसका टाइम कम हो जाएगा, अर्थात आप जल्दी से फिट हो जाएंगे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको सारी समझ आ गई होगी कि कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं और किस किस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए। अगर अब भी कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसके लिए रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं अपने घुटने पे हल्की मसाज करने के लिए, अगर आपको हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो, जिससे कि आपके जो नी में स्वेलिंग है, जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है, उसकी रिकवरी हो सके। साथ में आप वाइटामिन D3 का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी आ रही है वो पूरी हो सके, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं, हमने अपने बहुत सारे वीडियोज में भी बताया है कि विटामिन D कितना इम्पोर्टेंट है आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ में आप अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, ऐसे डाइट ले सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं, चाहे वो जिंक हो, मैग्नीशियम हो, फॉस्फोरस हो, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी हो जाए, ताकि आपको ये समस्याएं होने ही ना पाए। इसके साथ साथ आप कैस्टर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अपने घुटने पर हल्की मसाज करने के लिए। भी कैस्टर ऑयल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है। आप अपने घुटनों की कुछ ग्लाइडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, खासकर पटेला बोन की, उसकी कुछ ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। अभी आगे उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। इसके साथ साथ आप अपने हिप और एंकल की स्ट्रेंथ भी अच्छी रखें, क्योंकि ये जो दोनों ज्वाइंट है ये नी के एडजेसेंट होते हैं, तो जो मसल्स हैं वो नहीं सिर्फ घुटने के लिए काम करती हैं, वो आपके हिप और एंकल के लिए भी काम करती हैं। तो जैसे कि आप लेट कर साइकिलिंग कर सकते हैं। आप कहोगे सर लेट के साइकिलिंग हम क्यों करें? उसकी वजह यह है कि आप जब नॉर्मल स्टैटिक साइकिल चलाते हैं तो आपके नी पे लोड पड़ता है, आपकी नी और डैमेज हो सकते हैं, कार्टिलेज मेनिस्कस डैमेज हो सकते हैं। पर इसके वनस्पत जब आप ओपन चेन लेट के साइकिल चलाते हैं तो आपका पंजा फ्री होता है, नी पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, पर आपकी नी की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। साथ में आप एंकल टो मूवमेंट्स कर सकते हैं। आप हर 1 घंटे में 10 मूवमेंट अपने पंजे के करेंगे। आप इस तरह पंजे को चलाएंगे तो आपकी एड़ी पंजे के चलने से काफ मसल की एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसा आपको हमने पहले भी कहा है कि काफ हमारी बॉडी का पेरिफेरल हार्ट होता है, तो ब्लड की पूलिंग नहीं होगी, नी के पास फ्रेश ब्लड आएगा, तो न्यूट्रिशन भी अच्छा पहुंचेगा वहां तक। साथ साथ आपके हिप की एक्सरसाइज के लिए आप अपने कूल्हे के रोटेशंस कर सकते हैं। हमने कुछ वीडियोस में ये भी बताया कि कैसे ये एक्सरसाइज करनी होती है। आप रोटेशंस कर सकते हैं हिप के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने हिप को घुमा सकते हैं एक बेड पे या मैट पे सीधा लेट कर, जिससे कि आपके हिप की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो। देखिए, जितनी भी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग की सारी मसल्स हैं आपके नी के लिए काम करती है। ये 2 जॉइंट मसल है, ये हिप के लिए भी काम करती है और नी के लिए भी। तो अगर आप हिप की एक्सरसाइज करें या नी की, फायदा आपकी इन सारी मसल्स को होने वाला है। तो ये ना सोचिएगा कि नी के लिए अलग से कुछ स्पेशल एक्सरसाइज आएंगी, ये सारी एक्सरसाइज एक साथ करनी होती है, इनसे दोनों ही जॉइंट को एक साथ फायदा होता है। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको ढंग से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो, कोई दुविधा है, तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है नीचे दिए गए नंबर्स पे, सुबह 8 से शाम के 8 के बीच में, केवल सोमवार से शनिवार के मंथ। अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपको करनी है पटेला की ग्लाइड। आप ऐसे किसी बेड पे आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर अपने पैर को रख लीजिए आराम से। अब पैर को रिलैक्स छोड़ना है। और उसके बाद अपने जो ये बोन है, जिसे आप कटोरी कहते हैं, हम इसे पटेला कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, इसे पकड़ कर आपको ऊपर और नीचे मूव कराना है। हम इसे बोलते हैं कॉर्डोक्रेनियल ग्लाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमने आपसे कहा था कि एंकल टो मूवमेंट आपको करने चाहिए। आप सीधे बैठे हैं, पंजों को ऊपर नीचे करिए। खास बात ये ध्यान देने वाली है कि आप रिलैक्स होकर बैठेंगे और तब ये एंकल टो मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है, हमने आपसे कहा था कि हिप के मूवमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए आप पहले करवट से लेटिए, फिर सीधा हो जाइए इस प्रकार से। अब आपको मूवमेंट करना है हिप का, तो आप बिना घुटना मोड़े ये करेंगे सर्कुलर मोशन। अब इनिशियली मैं कम रेंज में कर रहा हूँ, आप ग्रेजुअली इसको रेंज को बढ़ाकर पूरा सर्कल में लेके जा सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। अब नेक्स्ट बात आती है साइकिलिंग की, जो हमने कहा था कि स्टैटिक साइकिल से अच्छा है आप लेट के साइकिलिंग करें। वो कैसे होगा? लेट जाइए आराम से रिलैक्स होकर और ये पैर को आगे तक लेकर जाइए और फिर ऊपर लाइए। इससे आपके टमी पर, पेट पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और आपके साइकिलिंग भी हो जाएगी। अगली 10 रेव्स सीधा करेंगे आप और 10 रेव्स उल्टा करेंगे। अब रही बात इन्हें परफॉर्म करने की, कितने रेपिटेशन होने चाहिए इसके, तो आपको 5 से 10 रेपिटेशन इनिशियल फेज में करने चाहिए किसी भी एक्सरसाइज के। मैक्सिमम 10 रेपिटेशन तक जाइए हर एक्सरसाइज में, उसके बाद उसके सेट्स बढ़ा दीजिए। अब ये तो हुई हिप और एंकल एक्सरसाइज के बारे में। आपको अपनी बॉडी में जो कैल्शियम है, जो बोन के अंदर कैल्शियम है, वो भी अच्छा रखना है। उसे अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है? आपको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन चाहिए। तो कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, इसका लिंक आई कार्ड में हमने छोड़ा है, तो पहले ये वीडियो पूरा करिए फिर से जाकर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं वो 4 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है आपके नी के केस में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है ये टॉवल, तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने नी को नीचे प्रेस करना है। जब आप नी को नीचे प्रेस करेंगे हल्के हल्के, तो आपके यहाँ क्वाड्रिसेप्स मसल पे लोड आएगा। 10 बार प्रेस करना है, 10 के होल्ड में आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस प्रकार से आप क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सेम 10 रेपिटेशन आएंगे एक सेट में 10 सेकंड के होल्ड के साथ। नेक्स्ट आएगी एक्सरसाइज नंबर 2। अब आपका जो टारगेट एरिया होगा वो होगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल। आपको अपने नी को लूज छोड़ना है या स्ट्रेट रखना है। इसे हैमस्ट्रिंग से अपने हिप से प्रेस करिए नीचे की तरफ। ये हमने प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे अपने इंटरनल मसल्स के लिए, जिन्हें हम कहते हैं एडक्टर मसल्स। ये करने के लिए आपको इस दोनों नीज के बीच में प्लेस करिए। अब देखिए, आपको अपने नीज को अंदर ट्रांसलेटरी मूवमेंट पे लेकर आना है, अर्थात इस प्रकार से लेकर आएंगे आप। ये रोलिंग नहीं करेंगे, ये आप जब अंदर प्रेस करेंगे तो इनर थाई पे लोड आएगा। तो लास्ट आती है वो है 4th एक्सरसाइज आपके एक्सटर्नल थाई मसल्स के लिए, या कहें तो साइड मसल्स जो है उसके लिए। आपको अपने पैरों को टाई कर लेना है। हम अपने पैरों को ट्रांसलेटरी मूवमेंट आउटवर्ड्स करेंगे। ये मूवमेंट नहीं करना, हमें मूवमेंट परफॉर्म करना है बाहर की तरफ। तो हम इस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। देखिए, आप मेरे पैरों को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई। इन एक्सरसाइज को समझिए, खुद परफॉर्म करिए, औरों को परफॉर्म कराइए। इसलिए इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुँचाइए, उनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले कंटेंट के बारे में आपको समय से मालूम पड़ता है और आप उसे भी समय से देख सकें। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आपने घुटने के दर्द से बचने के लिए एक्सरसाइज तो सीख ली, पर क्या गलतियां आप करते हैं घुटने के दर्द होने पर, वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अपने घुटने के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हो अपने को डाइट में चेंज करके, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए। सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।